आप सबको जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा वंदन। इस संसार में दो शक्तियां काम करती है, एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है, और वो अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र दूतों के द्वारा और आपके और मेरे द्वारा जो उद्धार पाए हुए हैं, ये संसार में अपनी ज्योति को फैलाता है। और दूसरी जो शक्ति है वो शैतान की शक्ति है। शैतान परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर की योजनाओं का विरोधी है, और वो अपने दुष्ट दूतों के द्वारा और मनुष्य जो उसकी कुयुक्ति में फंस जाते हैं उनके द्वारा अपने अंधकार को और अंधकार के कामों को ये संसार में फैलाता है। और इसीलिए पौलुस इफिसियों की पत्री 6:10 में कहता है, निदान प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की कुयुक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा युद्ध लोहू और मांस के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों के सामने है, संसार के प्रधानों के सामने है, और आत्मिकता के जो दुष्ट लश्कर आकाश में है उसके सामने है। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत होना। यदि आप ये संसार में जय प्राप्त करना चाहते हैं, एक विजयवंत जीवन को बिताना चाहते हैं, तो आपको प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होना बहुत ही आवश्यक है। ये संसार में हम परमेश्वर के संतान, ज्योति की संतान के रूप में जीवन बिताने वाले लोग हैं। जहां पर उजियाला है वहां पर अंधकार रह नहीं सकता, वैसे ही आपका और मेरा जीवन भी है। हम अंधकार के कामों को करने के लिए नहीं, अंधकार को फैलाने के लिए नहीं, लेकिन हम प्रभु की ज्योति को फैलाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु की सामर्थ्य में, उसकी सामर्थ्य की प्रभाव में बलवंत होना है। आप जहां जहां पर जाए उस जगह पर आप परमेश्वर की ज्योति को फैलाने वाले लोग बनना है, आप परमेश्वर की सामर्थ्य को बहाने वाले लोग बनना है। और इसीलिए आपको आत्मिक हथियारों से सुसज्ज हो। हमारा युद्ध सांसारिक नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है, और इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हमें आत्मिक हथियार परमेश्वर ने दिए हैं। यदि आप उस आत्मिक हथियारों से सुसज्ज है तो आप जरूर इस आत्मिक युद्ध में आप जय प्राप्त करेंगे। दूसरा वचन एक और परमेश्वर का हमें प्रोत्साहित करता है, और वचन में यशाया नबी की किताब और उसका 40वां अध्याय और उसके 29:31 में लिखा हुआ है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और उसके आगे लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, और वे बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। उतना ही नहीं, प्रभु का वचन भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसके 7 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। और 7 वचन में लिखा हुआ है, वे बल पर बल को पाते जाएंगे, उनमें से हर एक व्यक्ति सियोन में परमेश्वर को अपना मोह दिखाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की बाट जोता है, उसको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलती है, वही व्यक्ति परमेश्वर में बल पाता जाता है। और इसीलिए परमेश्वर के आत्मिक हथियारों से सुसज्ज होने के समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग बनेंगे, तो परमेश्वर की वो आत्मिक सामर्थ्य हमें आएगी। हमें हमारी शक्ति और बल के ऊपर नहीं, हमें हमारे धन के ऊपर नहीं, या तो हमारे पास जो भी
कुछ ये संसार का है उस पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें आत्मिक बल देगा, और जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो चाहे बीमारी हो या गरीबी हो या तो फिर कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें सामर्थ्य देगा, और वो हम बल पर बल को पाते जाएंगे, और सियोन में परमेश्वर के सामने हम अपने मुखों को दिखाने पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होने के लिए आप आत्मिक हथियारों से सुसज्ज हो जाइए। परमेश्वर पर भरोसा रखे, स्तुति और आराधना को करें, प्रार्थना में लगे रहे। यदि ये सारी बातें आपके जीवन में है तो आप सच में प्रभु में उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाएंगे, और आपका जो युद्ध लहू और मांस के विरुद्ध में नहीं लेकिन शैतान और उसकी शक्तियों के सामने है, उस युद्ध में प्रभु आपको विजय दिलाएगा। आप शैतान की कुयुक्तियों के शिकार नहीं बनोगे, लेकिन आप प्रभु की सामर्थ्य से प्रभु की ज्योति को फैलाने वाले और अंधकार के जो गढ़ है उसको तोड़ने वाले, अंधकार के घड़ों को ढाने वाले और प्रभु की ज्योति को फैलाने वाले लोग बनेंगे। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु की संतान है, हम प्रकाश के संतान है, और परमेश्वर के उज्याले को उसकी ज्योति को ये संसार में फैलाने के लिए बुलाए गए लोग है। वो तभी होगा जब हम आत्मिक रीति से बलवंत हो चुके हैं, हम प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत हो चुके हैं। तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपको सहाय और मदद करे ताकि आप प्रभु के बल में और उसकी सामर्थ्य में बलवंत हो जाए। प्रभु ये बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जैसे पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को कहा, प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। प्रभु, मेरी प्रार्थना है मुझे और यह संदेश सुनने वाले हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य दीजिए, हम में से हर एक व्यक्ति आत्मिक हथियार को बांध ले, और इतना ही नहीं, हम आप पर भरोसा रखकर, आप पर विश्वास रखकर बल पाए, और प्रभु हम स्तुति आराधना के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आत्मिक बल को प्राप्त करते जाए, और शैतान की कुयुक्तियों के सामने हम खड़े रह पाए, हम उसकी कुयुक्ति के शिकार नहीं बल्कि हम आपकी ज्योति को फैलाने वाले लोग बनने पाए। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हरे को आप अनुग्रह दीजिए, आशीषित कीजिए। प्रभु, ये छोटे से वचनों के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन।